नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन साथियों ने क्लास 6, 7, 9, 11 के रिजल्ट को ऑनलाइन कर दिया है और वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करने के बाद काफ़ी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर, जो रिजल्ट हैं वेरीफाई करने के बाद अनवेरीफाई किस प्रकार होगा, अनवेरीफाई किस प्रकार करना है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि शाला दर्पण पर इसका ऑप्शन शुरू कर दिया है। आपको अनवेरीफाई रिजल्ट किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कम्प्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, काफ़ी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर, हमने कक्षा 6, 7, 9, 11 का रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करने के बाद अब हम उसे अनवेरीफाई करना चाहते हैं, अनवेरीफाई किस प्रकार करेंगे, इसका ऑप्शन भी नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि शाला दर्पण पर जिन्होंने रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया है, अब उनको अनवेरीफाई करने का ऑप्शन भी दिया गया है। तो शाला दर्पण पर आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि शाला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको शाला दर्पण का इंटरफेस इस प्रकार नज़र आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको नज़र आते हैं, यहाँ पर आपको परिणाम रिजल्ट वाला ऑप्शन नज़र आता है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर से परिणाम में अनेक ऑप्शन मिलते हैं। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि वाला ऑप्शन पर आपको जाना है। जैसे आप इस पर जाते हैं तो देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर अनवेरीफाई रिजल्ट 2022-23। ये ऑप्शन यहाँ पर पहले नहीं था, इसको अब शुरू किया गया है यहाँ पर अनवेरीफाई रिजल्ट करने का। अब आप यहाँ पर जिन्होंने जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2022-23 के माध्यम से रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया था, अगर आप वो प्रक्रिया जानना चाहते हैं, उसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसका मैंने पहले ही एक पूरा कम्प्लीट वीडियो बनाया है कि आपको जो है जो मार्कशीट है, ग्रीन शीट है, उसको किस प्रकार जनरेट करना है, उसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो प्राय बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ अगर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब साथियों, जिनको अनवेरीफाई रिजल्ट 2022-23 करना है तो किस प्रकार करना है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपसे सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करवाएगा। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट आपको करनी है, क्लास 6, 7, 9, 11 जो भी आपकी क्लास एज है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कक्षा 7 की बात कर लेता हूँ, सेक्शन आप सेलेक्ट कर लें ABC जो भी हैं। इसके बाद देखिए 100 स्टूडेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए, नीचे उन स्टूडेंट की लिस्ट शो होगी जिनका रिजल्ट आपने वेरीफाई कर दिया है, उसको कंप्लीट वेरीफाई किया है। उसके बाद जो रिजल्ट आपने वेरीफाई किया है उनके नाम आपको यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की पूरी जानकारी नज़र आ जाती है। आपको जिस भी स्टूडेंट को अनवेरीफाई करना है तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अनवेरीफाई रिजल्ट, इस प्रकार रिजल्ट को अनवेरीफाई का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को अनवेरीफाई करना है तो उसी पर टिक कर देना है। जैसे आप उस पर टिक करते हैं तो देखिए, आर यू श्योर वांट टू प्रोसेस, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है वो अनवेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस प्रकार जिस भी स्टूडेंट का आपको रिजल्ट अनवेरीफाई करना है, यहाँ पर आसानी से आप उसको कर सकते हैं। अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार साथियों, आपको यहाँ पर कंप्लीट जो है अनवेरीफाई रिजल्ट का ऑप्शन मिल चुका है। अब आपको अगर रिजल्ट अनवेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट को लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।